हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सहारा समय की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेम मंदिर वृंदावन के बाहर है, जहां पर लाखों श्रद्धालु जो जन्माष्टमी के इस पावन पर्व में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दराज से आ पहुंचे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी का ये जो दिन है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में आज पूजा अर्चना होगी और पूजा अर्चना के साथ साथ जो तमाम श्रद्धालु हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दराज से आए हैं। देखिए, पंचांग के छठवें महीने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ऐसा मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताएं भी हैं, पुराणों के भी अनुसार कहा जाता है कि इस दिन नटखट नंदलाल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल भी कहा जाता है, तो उनका जो बाल रूप है उसे देखने के लिए यहाँ पर लोग दूर दराज से आए हैं। और भी कई मान्यता आज के दिन की होती हैं, कई लोग आज के दिन दान भी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जो लोग व्रत करते हैं उनके व्रत भी पूरे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लगभग सभी लोग हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं या फिर टीवी पे भी देखते आए हैं कि किस तरह से उनका जो नाम है, उनके नाम के अनेकों उनके मतलब हैं, अनेकों उनके नाम हैं। कोई उन्हें माँ के बिहारी कहता है, कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई श्री कृष्ण के नाम से, कोई कान्हा के नाम से, अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर के बाहर इस वक्त किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि इस पूरे मथुरा वृंदावन के जो एरिया है उन्हें जोन में, सेक्टर्स में बांट दिया गया है लाखों की संख्या में, क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उन तमाम तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। मैं अपने कैमरामैन देव विश से बोलूंगी एक बार, जो एंट्री पॉइंट है यानी कि जो एंट्रेंस है वो एक बार दिखाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन लगातार लाइनों में जो भक्त हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस साइड से एग्जिट पॉइंट को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जिट पॉइंट बनाया गया है और वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तमाम लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि कहाँ से वो लोग आए हैं, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व है, कहाँ से आई हैं आप? हम झांसी से। दर्शन हुए अंदर जाके? हाँ हुए। बहुत भीड़ है? हाँ भीड़ तो है पर अच्छे से हुए। बिल्कुल, देखिए यही मुझे लगता है कि उल्लास का दिन है और एक आस्था है इन तमाम श्रद्धालुओं की कि इतनी ज्यादा उमस हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और उसके बावजूद भी तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आए हैं, उसके बाद भी देखिए प्रेम मंदिर में अंदर जाने के लिए आतुर हैं। और भी लोग, बेटा कहाँ से आई हो? खुर्द से, जिला मुरैना। मुरैना से आई हो? हाँ। बड़ी दूर से आई हो दर्शन करने के लिए? दर्शन हुए? हाँ, नहीं हुए अभी, नहीं अभी हुए। दर्शन नहीं हुए। बहुत गर्मी है बाबा, उसके बाद भी देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा भीड़ है सर, दर्शन कर आए महाराज। यानी प्रेम तैयारियाँ कैसी देखी जा रही है? बहुत बहुत तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और बहुत ही प्यारा मंदिर है जो यहाँ पे माना जाना है। प्रेम मंदिर वो ऐसा मंदिर है कि प्रेम मंदिर है तो प्रेम की ही तरह है और वास्तव में इसका जो जितना प्रण किया जो कम ही होगा। कोई भजन हो जाए जी? भजन भजन हो जाए, कोई भजन बचत हो जाए, भजन भजन हो जाए। हरे रामा 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधे हरे राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। फिलहाल आप मेरे पीछे भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा जोश है और कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि एक खुशी है, उल्लास है जो आज के इस पावन पर्व को ये मना रही है। फिलहाल वृंदावन से कैमरामैन देव विश्व के साथ मैं पूजा शर्मा।